वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ होप टू स्केल, जिसमें हम अपने नॉलेज के मुताबिक आपको एआई जो है वो पढ़ाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लेने की एक रीज़न ये थी कि एआई जो अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो जितनी भी इंडस्ट्री है वो इसकी तरफ मूव कर रही है, इट्स एक्चुअली अ रेवोल्यूशन विच इज़ हैपनिंग। तो हम चाहते थे कि वो रेवोल्यूशन जो है वो हमारे उन तमाम तबकात तक पहुँचे जिधर तक यूजली नॉलेज जो है वो मुश्किल से पहुँचता है ड्यू टू डिफरेंट जो बैरियर हमारे हैं। और सर ने जिस तरह से बात की ना कि हम लोग अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की, और ये दूसरी साइड से जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं भरपूर सीखने की, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैसिनेटिंग है। कि अगर मैं कल की ही बात करूँ कि कल हमारा लेक्चर हुआ और मैंने बच्चों के साथ चीज़ें शेयर की थी, मैं अभी रात को सोने से पहले ही मेरे पास बच्चों के जो है ना वो रिजल्ट्स आ रहे थे कि सर मैंने ये चीज़ करके देखी है, मैंने ये इंप्लीमेंट किया, मेरे रिजल्ट्स इस तरह से अच्छे हो रहे हैं। मतलब बच्चों को इतना ज़्यादा उसका शौक और उनके अंदर वो जुनून आ चुका है कि वो लेक्चर के फौरन बाद ही जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं उस चीज़ के ऊपर जो हम उनको बता रहे होते हैं। तो वेरी गुड, ये हारिस ने बिल्कुल सही कहा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इनकरेजिंग है कि जब ये क्वेश्चन आते हैं ना हमें अपनी सारी थकन जो है ना वो भूल जाती है। और दूसरा मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं, क्योंकि मैं एक टीचर भी रहा हूं, आई हैव टॉट इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, जिस क्लास में मुझे आइडिया होता था ना कि यार इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछने, उधर मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी भी नहीं करके जाता था। लेकिन जिधर मुझे पता होता था कि यार ये बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, ये बहुत इनक्विजिटिव बच्चे हैं, और मुझे लगता था कि ये इनक्विजिटिव है इसलिए मुझे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज ट्रांसफ़र करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उस क्लास के लिए फिर मैं तैयारी भी ज़्यादा करता था। तो जब आप हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देते हैं ना, इसके दो फायदे होते हैं। एक फ़ायदा जो है वो तो मैंने बताया आपको, वो मतलब स्पिरिचुअली या इमोशनली वी फील गुड, और हम वी मतलब हम एलिवेटेड फील करते हैं और हमें लगता है कि हम कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों को, हमारी नेशन को, या ये जो सारे तबकात हैं जो जिन तक एआई की एक्सेस वैसे मुश्किल है ड्यू टू कि ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो पॉसिबल हुई है। दूसरा इससे हमें जो फ़ायदा होता है वो ये है कि हमें लगता है कि यार हमें इस तैयारी करके जाना चाहिए प्रॉपर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो इम्पार्ट कर सकें, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें और चीज़ों को ज़्यादा आसानी से बता सकें। ऑफ़ कोर्स वो गॉड गिफ्टेड स्टाइल तो नहीं है जो इरफान का है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो आप तक आसान लैंग्वेज में हम पहुंचा सकें। हमने कल जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था लीनियर रिग्रेशन का। लीनियर रिग्रेशन आप लोग यूज़ कर रहे थे कंटिन्यूस वैल्यूज़ को, नॉमिनल वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करवाने के लिए कोई भी एक नंबर, ठीक है, वो नंबर किसी भी रेंज तक जा सकता है, वो पॉजिटिव उसमें भी हो सकता है, वो नेगेटिव वैल्यू के अंदर भी जा सकता है, तो उसकी कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होती, वो बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर हो सकता है। उसके बाद हमने आपको उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी लीनियर रिग्रेशन की, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपके पास एक प्लॉट होता है, 2D प्लेन होता है, उस 2D प्लेन के अंदर आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं और आपके पास एक बेस्ट लाइन आती है, मॉडल जो आपको देता है ट्रेन होने के बाद रिजल्ट के अंदर, और आप ये देखते हैं कि वो जो लाइन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो जितने तमाम पॉइंट्स आपको प्लॉट में नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल उसके करीब करीब होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच होती है उसके लिए, और उस चीज़ को हमने उसकी जो मॉडल की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए हमने आपसे एक लॉस फंक्शन, एक एरर को डिस्कस किया था जिसका नाम था मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। मीन स्क्वायर एरर के अंदर हमने आपसे एक इशू भी डिस्कस किया था कि वो ज़ीरो हो जाता है, और उस ज़ीरो को हमने हैंडल करने के लिए स्क्वायर लिया था। फिर उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया कि रूट मीन स्क्वायर एरर भी होता है, और उसकी हमने रीज़न आपसे डिस्कस की थी कि हमने जो स्क्वायर इंट्रोड्यूस करवाया था वो एक इफ़ेक्ट जो लेके आता है हमारे रिजल्ट के ऊपर, उसको हमने डी इफ़ेक्ट करना होता है, उस इफ़ेक्ट को हम ख़त्म करते हैं दोबारा स्क्वायर रूट लेके, और हमारे पास एरर की वैल्यू आ जाती है। हमारा उस एरर के साथ क्या लेना देना है, हम ये देख रहे होते हैं, हमारा मोटिव ये होता है कि ये जो मॉडल है इसके ये एरर वैल्यू क्लोज टू ज़ीरो जाती है, क्योंकि उसकी कोई स्पेसिफिक रेंज मतलब कि नहीं होती, वो बड़े सी बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, तो आपका सिर्फ एक एम होता है कि उसको आप नियर टू ज़ीरो लेके जाएँ, कोई भी तरीका कार लगाएँ, प्री प्रोसेसिंग करें,
कुछ भी करें, आपने उसको ज़ीरो की तरफ पुश करना है कि ये नियर टू ज़ीरो जाता रहे और आपका मॉडल अच्छा होता जाए। तो ये हमारा था। इसके साथ हमने आपके साथ जब कोलैब नोटबुक पे मूव किए थे, तो कोलैब नोटबुक के अंदर हम लोगों ने आपके आपको एक डाटा सेट के ऊपर एक मॉडल ट्रेन करके दिखाया था लीनियर रिग्रेशन का। अब उसमें इशू ये आया था कि जो उसका मीन स्क्वायर एरर है वो बहुत बड़ा आ रहा था, ठीक है, और हमने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि ये क्यों ज़्यादा आ रहा है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो अब आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों ने उसका जो आंसर है वो क्या ढूंढा है, आप लोगों की क्या फाइंडिंग्स है, आप लोगों को क्या उस चीज़ के ऊपर मिला है। तो जो हमारे कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में वेट करेंगे कि आप हमें, मेरा ख्याल है हम कुछ मिनट्स जो हैं वो वेट करते हैं, साथ साथ ऑडियंस भी बिल्डअप हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो व्यूअर्स और हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं तो स्टूडेंट्स भी कहूँगा, तो उन्होंने इस पर क्या सोचा है कि क्यों ये मॉडल जो है वो बुरा बिहेव कर रहा था। या इसका एक और तरीका सोचने का ये है कि हम ये देख सकें कि इस मॉडल को हमने अगर इम्प्रूव करना है तो वो क्या काम हम कर सकते हैं डेटा के साथ जिसकी बेस पे मॉडल बेहतर हो जाए। आपको याद होगा कि मैं हमेशा स्टार्ट से एक जुमला कहता था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। याद है, मशीन लर्निंग के मॉडल उतने ही अच्छे होते हैं जितना अच्छा उन्हें डेटा दिया जाए। अब ये चीज़ आपको एक्चुअली प्रैक्टिस में नज़र आनी शुरू हुई है। तो मेरा ख्याल है कि मैं हिंट भी साथ साथ दे रहा हूँ कि ये कैसे बेहतर हो सकता है। सो इसका मतलब है कि देर इज़ समथिंग जो हमें करना है डेटा के साथ, और डेटा के साथ अगर हम वो काम करेंगे तो हमें लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि अगर इनपुट अच्छी होगी तो मॉडल जो है उसकी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। तो ये एक हिंट भी है कि क्या चीज़ इसमें इम्प्रूव हो सकती है। तो सो विल बी वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस। सो हारिस, आप बल्कि ज़्यादा बेहतर है आंसर्स, विल बी वेटिंग फॉर द आंसर्स। बिल्कुल, कि आपने क्या सोचा या और क्या, और ज़्यादा अच्छा हमें तब लगेगा अगर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमने ये सोचा और इम्प्लीमेंट किया, बेहतरी आई या नहीं आई, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। देखें, आपका काम है एफर्ट करना, अपनी बेस्ट एफर्ट पुट करना, नतीजा अल्लाह ताला के पास होता है। और जैसे जैसे हम टेक्निकली बेहतर होते जाते हैं, चीज़ें सीखते जाते हैं, हमारा जो स्किल सेट है वो भी बेहतर होता जाता है। और जो हमारे पास इस टाइम जवाब आ रहे हैं वो देख के मुझे तो लग रहा है कि लेक्चर की ज़रूरत नहीं है आज के। अच्छा। इतने अच्छे बच्चे जवाब दे रहे हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं जनाब डेटा को स्केल करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी, फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। तो मोहम्मद ख़ान, फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। ओके, और मतलब मोस्टली हमारे पास आंसर आ रहे हैं सईदा नास, आउटलायर्स, ओवर एंड अंडर फिटिंग, या डेटा नॉट क्लीन प्रॉपरली। ओके ओके अच्छा, डाटा क्लीनिंग से, जब आप डाटा क्लीनिंग कहते हैं तो मैं उसको ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ डाटा प्री प्रोसेसिंग कहना, ठीक है। क्योंकि क्लीन तो आपने उस वक़्त कर लिया जब आपने मिसिंग वैल्यूज़ ख़त्म कर दी, जब आपने उसमें नॉन NaN वैल्यूज़ जो है वो रिमूव कर दी, और आपने अब आपके पास डाटा जो है और उसमें आपने आउटलायर्स आइडेंटिफाई करके रिमूव कर दी, तो ये क्लीनिंग थी। प्री प्रोसेसिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने पढ़ाई थी, क्लीनिंग उनमें से एक पार्ट था। और सर अगर इनको याद हो तो कल जो मैंने डाटा सेट दिखाया था उसमें मैंने जान के एक हिस्टोग्राम दिखाया था कि ये डाटा, इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। हाँ, ठीक है। तो डाटा के अंदर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज भी नहीं थी, मतलब कि डाटा क्लीन था ऑलरेडी, फिर भी आपके पास मसले मसाइल थे। बिल्कुल सही। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग का एक पार्ट है डाटा क्लीनिंग, और भी कुछ पार्ट थे जो मैंने डिस्कस किए थे। तो मेरा ख्याल हमारे पास रिस्पांस आ गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, सो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हमारा क्वेश्चन के मीन स्क्वेर्ड एरर बहुत ज़्यादा था, उसकी क्या वजह हो सकती है, और उस वजह को जब हम जान जाएंगे तो फिर हमें क्या ऐसा एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे वो प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए। कम होने को कहते हैं मिटिगेट हो जाए। क्योंकि ये याद रखें कि
आप बहुत ज़्यादा एफर्ट भी पुट करेंगे तो ये लॉस थोड़ा बहुत रहेगा, आपकी कोशिश होती है मिटिगेट करना। और इनफैक्ट इसी जगह पे मैं आपको एक और भी मज़े की बात बताऊं कि ये मीन स्क्वेर्ड एरर जो है ये बहुत हाई था। फ़र्ज़ करें मैंने इधर लीनियर रिग्रेशन यूज़ किया था, सेम डाटा सेट पे मैं तीन चार किस्म के रिग्रेशन एल्गोरिदम अप्लाई करता तो तीन चार डिफरेंट मॉडल बन जाते ना, तो मुझे कैसे पता चलता कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा, लीनियर रिग्रेशन अच्छा है या दूसरा रिग्रेशन या तीसरा रिग्रेशन मॉडल, वो मुझे पता चलता है मीन स्क्वेर्ड एरर्स। ठीक है, तो जिसका मीन स्क्वेर्ड एरर जितना ज़्यादा है बिल्कुल वो मॉडल उतना कम यूज़फुल है, जिसका मीन स्क्वेर्ड एरर जितना कम है वो मॉडल उतना ज़्यादा यूज़फुल है। यूज़फुल तो जो सबसे पहली रीज़न बल्कि हमारे पास, बेटा आपका गुड नेम क्या, नजम, नजम ने हमसे एक क्वेश्चन किया था कि एक रीज़न ये हो सकती है कि आपने हमें जो लीनियर रिग्रेशन पढ़ाया था, जो लाइन पढ़ाई थी वो टू डायमेंशंस में थी, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं उसमें हमने एक एड्रेस का जो फीचर है वो निकाल दिया निकाल था, दिया था। तो हमारे पास कितने वेक्टर्स बचे थे उसमें, हमारे पास 5 बचे थे। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 5 थे और हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो शायद लीनियर रिग्रेशन ने इस वजह से काम नहीं किया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एक अच्छा थॉट प्रोसेस था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रिपीट किया कि इससे हम जब आंसर करेंगे तो आपके जहन में कुछ कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगे। लीनियर रिग्रेशन हमने समझाने के लिए आपको एक लाइन दिखाई थी, ठीक है, तो वो लाइन जो है वो टू डायमेंशंस में है। जब आप थ्री डायमेंशंस में आ जाएंगे, अब आप थ्री डायमेंशन क्या होती है, आप जिस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं वो थ्री डायमेंशन है, ठीक है, अब थ्री डायमेंशन के अंदर लाइन को क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जांपल आप एक कमरे में बैठे हैं, उसमें एक वाइट बोर्ड पड़ा है, अब वो वाइट बोर्ड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी चीज़ है ना, तो 3D या थ्री डायमेंशन के अंदर लीनियर रिग्रेशन एक लाइन नहीं बनाएगा, एक वाइट बोर्ड टाइप की चीज़ बनाएगा। ठीक है, उस व्हाइट बोर्ड टाइप की चीज को मैथ में हम ना एक बड़ा प्यारा सा नाम देते हैं, हम उसे कहते हैं प्लेन। ठीक है, तो जब भी मैं प्लेन कहूँ आपके जहन में आ जाना चाहिए कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, सामने एक व्हाइट बोर्ड है जो रूम को डिवाइड कर रहा है, या वो कोई दीवार है या कोई पार्टीशन है जो रूम को डिवाइड कर रही है, और वो पार्टीशन या व्हाइट बोर्ड जो है उसको हम कहते हैं प्लेन। ठीक है, तो इसी तरह ये तो 3D की एग्जाम्पल थी, अब 3 से ऊपर की डायमेंशंस ना हम ह्यूमन विजुलाइज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमारा माइंड का डिज़ाइन ऐसे बनाया है कि 3D के ऊपर जब 4D या ND में हम जाएंगे ना, उसकी पिक्चर जहन में नहीं बन सकती। तो उस वक्त आपने यही लाइन और प्लेन वाला कॉन्सेप्ट जहन में रखना है, और उस वक्त भी लीनियर रिग्रेशन एप्लीकेबल होगा, लीनियर रिग्रेशन रिजल्ट भी देगा। तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं कि लीनियर रिग्रेशन आप सिर्फ उस वक्त अप्लाई करें जब आपके पास सिर्फ एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपके पास एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तब भी आप लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। सिर्फ होगा ये कि वो एन डायमेंशंस में एक प्लेन की सूरत इख्तियार कर, ठीक है, अब लाइन नहीं रहेगी, एक प्लेन की सूरत इख्तियार कर लेगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, तो मैंने मुनासिब समझा का इसका आंसर भी दूं, ताकि इसके आंसर से ना कुछ नई चीज़ें आपके जेन में आएंगी। ये वो प्रॉब्लम नहीं था जिसकी वजह से हमारा MSc ज़्यादा आ रहा था। तो असल एक काम जो हम कर सकते हैं और जो हमें हमेशा करना चाहिए वो ये है कि मॉडल को आप डिफरेंट न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं। आपको याद है ना एट्रीब्यूट्स, फीचर्स और कॉलम्स इंटरचेंजेबल है, मैं जानबूझ के बाज़ दफ़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए ना इनको इंटरचेंजेबल ही कहता हूँ, ताकि आपका माइंड ट्रेन रहे कि यार तीनों में से कोई भी लफ्ज़ बोलेंगे मतलब कॉलम ही है। ठीक है, बिल्कुल सो एट्रीब्यूट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, फीचर भी हो सकता है। तो हमने जब अपना मॉडल ट्रेन किया था तो उसमें
कौन कौन से फीचर थे, मेरे ख्याल कुछ वैल्यूज़ बहुत बड़ी थी और कुछ बहुत छोटी थी। मसलन उसमें कुछ वैल्यूज़ मुझे याद हैं वो 0 से 1 के दरमियान थी और कुछ थाउजेंड्स में थी, कुछ बहुत। हाँ अच्छा, अब इस तरह का जब भी डेटा होता है ना तो जो बहुत बड़ी वैल्यू है ना मॉडल उस पर ज़्यादा तवज्जो देता है, डोमिनेट कर। हाँ यानी कि उस डेटा में ऐसे फीचर्स जिनकी वैल्यू थाउजेंड्स में थी मॉडल उनको उतनी ज़्यादा अटेंशन देगा, उतना ज़्यादा उनसे सीखने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल या एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू सिर्फ 0 से 1 के दरमियान थी मॉडल उसे कुछ भी नहीं सीखेगा। इसका मतलब है कि वो एट्रीब्यूट के अंदर जो पैटर्न या जो लर्निंग थी मॉडल के लिए वो शायद वेस्ट हो गई, या शायद वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंटली मॉडल ने लर्निंग के लिए यूज़ नहीं की जितनी के वो कर सकता था और हमारा रिज़ल्ट बेहतर हो सकता था। अब इसका इलाज क्या है? आपको याद होगा कि जब हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात की थी तो मैंने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का लफ्ज़ यूज़ किया था। इनफैक्ट मैंने दो चीज़ें कही थी जो इस वक्त रेलेवेंट है बात करना, एक मैंने कहा था डेटा रिडक्शन और एक मैंने कहा था डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा रिडक्शन को आप एक्शन में देख चुके हैं जब हारिस ने टाइटैनिक वाला जो डेटा सेट है वो आपके सामने लेके आया था। हमने देखा था कि यार कोरिलेशन निकाल के हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो लर्निंग के लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का एक पार्ट ये है कि हम गैर ज़रूरी फीचर्स डेटा में से निकाल दें। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग में एक काम जो डेटा रिडक्शन है तो हम वो डेटा रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग में हम डेटा रिडक्शन कैसे कर रहे हैं, गैर ज़रूरी फीचर्स को इनपुट में से निकाल बाहर करते हैं, सिर्फ ज़रूरी ज़रूरी फीचर्स रखते हैं ताकि हमारा मॉडल जो है वो ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर सके उन फीचर्स में जिसमें ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये थी डेटा रिडक्शन। डेटा प्री प्रोसेसिंग में जो आखिरी चीज़ मैंने डिस्कस की थी वो थी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बिल्कुल सही जगह है इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को एक्शन में देखें। अभी मैंने आपके सामने प्रॉब्लम ये रखा कि हमारे पास कुछ फीचर्स में थाउजेंड्स वैल्यू थी, कुछ में सिर्फ 0 से 1 तक थी। इस वजह से मॉडल ने 0 और 1 के दरमियान वैल्यू को उतना वेट नहीं दिया और थाउजेंड्स वाले जो एट्रीब्यूट्स या फीचर्स थे उनको ज़्यादा वेट दे दिया। तो इसका मतलब है कि अब हमें सारे फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, सारे फीचर्स को इस तरह ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि मॉडल जब ये पांचों फीचर्स देखे तो वो पांचों को सेम वेटेज दे, ठीक है। जब वो पांचों को सेम वेटेज देगा तो इसका मतलब है कि अब मॉडल के पास लर्निंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है क्योंकि अब वो सारे फीचर्स को बराबर बराबर अटेंशन दे रहा है। तो इस काम के लिए डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके भी हैं जो आज हारिस हम एक्शन में भी देखेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह हम एक्शन में देखेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो एक चीज़ या एक जो रीज़न थी वो रीज़न ये थी कि वैल्यूज़ डिफरेंट रेंजेस में थी, कुछ थाउजेंड्स की रेंजेस में थी, कुछ हंड्रेड की रेंजेस में थी, कुछ 0 से 1 तक थी। इस वजह से हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। इसकी सर मतलब जो हमारी ऑडियंस है उनको थोड़ा सा अगर मैं एक आसान और मज़ीद इसको आसान करने की कोशिश करें तो एक एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि आपके पास एक प्लेयर्स का ग्रुप है जिनमें से आपने उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना है कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अब आपके पास दो फीचर्स ऐसे हैं कि एक पे उनकी हाइट आ रही है और एक पे उनका वेट आ रहा है। वेट आप लोग ले रहे हैं केजीज़ में मेजरमेंट ले रहे हैं और वो आपके पास आ रहा है लेट्स से 40 kg, 50 kg, 60 kg, इस रेंज में आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन जो आप उनकी हाइट है वो सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर्स वाली वैल्यू आपके पास 138, 150, इस तरह से वो 100 की रेंजेस में आ रही है। अब हाइट वाले कॉलम के अंदर वैल्यूज़ आपको अब मॉडल जो है उसको यूनिट से कोई
फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए यूनिट यूजलेस वैल्यू है, ठीक है। वो सिर्फ नंबर्स को देखेगा, 138, 140, 115, 100, इस तरह से सेंटीमीटर्स वाली वैल्यूज़ को वो देख रहा है। और साथ वाले कॉलम के अंदर जब वैल्यूज़ आ रही है वो 40, 50, 60, तो जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो डोमिनेट करने लग जाएंगी, मॉडल उनको ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देगा, ये बड़े नंबर्स हैं, और मॉडल के जो रिजल्ट्स हैं उन पर वो असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपके पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे मॉडल को ये पता चले कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इनका जो स्टैंडर्ड क्या है, एक जो बेस है या जो शुरू कहाँ से होना है, अच्छी वैल्यू कौन सी है, बुरी वैल्यू कौन सी है, कम वैल्यू कौन सी है, ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। आप उसको एक बॉक्स में बंद करते हैं कि इस बॉक्स से तुमने बाहर नहीं जाना, इस रेंज के अंदर अब तुम्हें वैल्यूज़ मिलेंगी, और उसके अंदर रहते हुए तमाम वैल्यूज़ को हम एक रेंज में ले जाते हैं, ताकि ना किसी कॉलम के अंदर वैल्यू बड़ी रहती है ना छोटी रहती है, और फिर एट द एंड क्या होता है, मॉडल के ऊपर कोई कॉलम इस तरह से असरअंदाज नहीं होता, ठीक है, और आपका जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस। ओके ग्रेट। सो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिर्फ उनके नाम अभी ले रहा हूँ ताकि अगर आप में से कोई जो क्यूरियस है वो जाके उसे देख लें, उसको स्टडी कर लें कि वो क्या क्या तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है उसे हम कहते हैं जी स्कोर स्केलिंग। बिल्कुल, जी स्कोर स्केलिंग। जी स्कोर स्केलिंग, अच्छा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ नाम ले रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड जो बच्चे हैं वो जाके इसको देख लें कि ये क्या होती है। और जो दूसरा तरीका है वो है मिन मैक्स स्केलिंग। इसके अलावा भी तरीके हैं लेकिन ये दो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर तरीके हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा को ट्रांसफॉर्म करके एक सेम रेंज में लाने के लिए, ये यूज़ करते हैं। और यूजली जो हम रेंजेस डिफाइन करते हैं वो रेंजेस यूजली 0 से 1 के दरमियान होती है, ताकि सारे के सारे फीचर्स 0 से 1 की रेंज में आ जाएं। तो मैं दोबारा एक दफ़ा नाम रिपीट कर देता हूँ दोनों टेक्निक्स के। पहले टेक्निक्स जो है उसे हम कहते हैं जी स्कोर स्केलिंग या स्टैंडर्ड स्केलिंग। ये दोनों नाम एक ही चीज़ के दो डिफरेंट नाम है, जी स्कोर स्केलिंग या स्टैंडर्ड स्केलिंग, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। और जो दूसरी टेक्निक मैंने बताई थी वो थी मिन मैक्स स्केलिंग, ठीक है। तो ये दो टेक्निक्स हैं, और आज हम एक्शन में जो साइकिट लर्न में देखेंगे वो प्रॉबेबली हम स्टैंडर्ड स्केलिंग जो है वो देखेंगे। सो स्केलिंग जो है उस पर अगर आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करना चाहें तो दैट वुड बी। स्केलिंग के ऊपर देखें, अब आपके सामने एक प्रॉब्लम ये आई थी कि आपका डाटा ख़राब था, आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि हमारी वैल्यूज़ आउट ऑफ रेंज हैं, हमने उनको एक स्पेसिफिक रेंज में लेके जाना है। उसके लिए आपको मेथड मिल गए कि स्टैंडर्ड स्केलिंग है और मिन मैक्स स्केलिंग है। काम सबके एक ही पर्पस को सॉल्व करने के लिए हो रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे जब आप जाके देखते हैं तो प्रोसेसिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। वो फ़र्क हम आपको इसलिए नाम बता रहे हैं कि वो फ़र्क आप लोगों को अंडरस्टैंड आप लोगों ने करना है, उसको हम भी कोशिश करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी से बताने का पर्पस ये है कि कुछ बच्चे प्रोएक्टिवली पढ़ रहे होते हैं तो वो जाके पहले से रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, हमने तो बाद में चीज़ों को डिस्कस करना होता ही है। तो होगा क्या, सवाल ये होता है कि अब आपने वो जो स्केलिंग है, स्टैंडर्डाइजेशन है, ये किस किस चीज़ के ऊपर करनी है। ये आपने एक फीचर पे करनी है जो जिसकी वैल्यूज़ बड़ी हैं, या आपने पूरे जो तमाम आपके डाटा सेट हैं उन फीचर्स पे करनी है, किस तरीके से करनी है, और क्या आपका जो टारगेट वेरिएबल है वो भी उसमें का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये वाले क्वेश्चंस अब आपके जो है वो इससे रिलेटेड होने चाहिए, और हम इसको आगे चल के रिजॉल्व करेंगे। आज क्यूरियोसिटी छोड़ना चाह रहा हूं, बहुत ज्यादा आज नहीं करेंगे ताकि चीजें टू मच ना हो जाए। आज भी मैंने बच्चों के लिए इसी वजह से ना चीजें छोड़ी हैं, थोड़ा थोड़े ब्रेड क्रम्स रखे हैं आपने उनके लिए ताकि वो फॉलो करते रहे। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। तो आज की दूसरी जो चीज़ है वो मेरे ख्याल हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स में इंप्लीमेंट कर रहे हैं रिग्रेशन के। तो ये तो था हमारे वो उस क्वेश्चन का आंसर जो हमने पिछली बार आप लोगों के लिए छोड़ा था कि ये मॉडल अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा और इसे बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उस पर हमने डिस्कशन की। अभी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि रिग्रेशन करने के लिए सिर्फ लीनियर रिग्रेशन ही एक एल्गोरिदम नहीं है, हमारे पास इनफैक्ट आप जब साइकिट लर्न में देखेंगे हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम हैं। हम सिर्फ उसमें से कुछ वेल नोन एल्गोरिदम का बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, और वो इसलिए कि ये जो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है ये आपको जो मेरी वही टेक्निक होती है कि मैं पहले ना नाम छोड़ता हूँ ताकि
ताकि वो उस नाम से आप फेमिलियर हो जाएं, और उसके बाद एक दो लेक्चर में फिर हम उस नाम को अंदर डीप डाउन जो है फिर डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो वो नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा एलियन नहीं रहता और उसके अंदर जो छुपा हुआ डर है ना वो काफ़ी ख़त्म हो जाता है। तो आज हम सिर्फ ब्रीफ सा टच देंगे उन एल्गोरिदम्स का और उनको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जब हम नेक्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे तो फिर हम क्लासिफिकेशन जो है उसको भी कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ओके, ग्रेट, ओके। सो हमारा पहला जो रिग्रेसर है डिसीजन ट्री, फिर स्टार्ट कर दें सर। जी जी प्लीज़, बेसिक सा आइडिया। बिल्कुल, देखें सपोज करें कि आपके पास एक डाटा सेट आया, उस डाटा सेट के अंदर आप डिफरेंट एक वैल्यू प्रेडिक्ट करवाना चाह रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, लेट्स से स्कोर के ऊपर, बैट्समैन के स्कोर के ऊपर। ठीक है, आप उसकी एक रेंज डिफाइन, यूजुअली जो बैट्समैन का स्कोर होता है वो जीरो से स्टार्ट होगा, 200 तक चला जाएगा, 300 तक चला जाएगा। अब आपके पास मल्टीपल रोज़ हैं, एक पूरा डाटा सेट है, आप क्या करते हैं लोगों का एक हजूम इकट्ठा करते हैं, उस पूरे हजूम को वो डाटा सेट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आप क्या करते हैं कि उसकी रेंजेस डिफाइन करते हैं कि 0 से लेके 10 तक जो स्कोर आ रहा है, ये वाली तमाम जो रोज़ है ना, ये चंद लोग, 25 लोग आपने अलग किए, उनको पकड़ा दिया। फिर 10 से ऊपर 50 तक का स्कोर लिया, वो वाली तमाम रोज़ ली, दूसरे लोगों को पकड़ा दी। मतलब कि आपने डाटा सेट वैल्यूज़ के हिसाब से डिवाइड करके लोगों में दे दिया। उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई ऐसी वैल्यूज़ आती हैं जिनका जो स्कोर है वो प्रिडिक्शन के अंदर लेट से 50 के दरमियान रहेगा, तो वो वाला ग्रुप आपको डिसीजन मेक करके देगा, डिसाइड करके देगा कि यार ये वाले फीचर्स तो ये वाला तो हमारे पास है, तो ये हम इसका आपको रिज़ल्ट बताते हैं। वो रिज़ल्ट आपको बता देंगे यार ये स्कोर करेगा 30, ये करेगा 40 50। जैसे 50 से ऊपर जाएगा तो वो जो दूसरा ग्रुप है लोगों का जिनके पास डाटा सेट के अंदर वो वाली इंफॉर्मेशन है कि 100 से ऊपर और 200 के नीचे, तो उस पोर्शन में से आपके पास डाटा सेट आएगा। जो आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है, ये एक ट्री हमने आपके सामने बनाने की कोशिश की है, और इसको डिसीजन ट्री भी इसलिए कहते हैं कि इसकी डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो आपको डिफरेंट रेंजेस के अंदर जो वैल्यूज आ रही होती है ना उनकी प्रेडिक्शन दे रही होती है कि अगर ये वैल्यू के रेंज में है तो इस ब्रांच में से रिजल्ट जाएगा, इस वैल्यू में से आपका रिजल्ट इसके नियर बाय है तो इस ब्रांच में से रिजल्ट जाएगा। तो इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हैं, बजाय के पूरे हजूम को डाटा सेट दे दे और किसी को कुछ ना पता चल रहा हो कि मैंने क्या फैसला करना है, आप लोगों को डिवाइड करके देते हैं कि तुमने यहाँ से ये वाला बंदा मसला लेके आएगा तो तुमने हल करना है, अगर ये मसला होगा तो तुमने हल करना है, उनको डिवाइड कर दिया। और इस तरीके से आपको जो मॉडल है वो डाटा सेट पर ट्रेन होता है, सारे अपनी अपनी वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं और एट द एंड जब आप उसको कोई देते हैं वैल्यूज़ देते हैं वो आपको प्रेडिक्शन दे देता है उस पोर्शन में से। तो ये इसका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेसिक और लो लेवल, बिल्कुल बेसिक सा आइडिया है। अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आया तो जस्ट डोंट वरी, सिर्फ अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि डिसीजन ट्री एक टेक्निक है। डिसीजन ट्री एल्गोरिदम से आप रिग्रेशन भी कर सकते हैं, डिसीजन ट्री एल्गोरिदम से आप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी तक के लिए इतना टेक अवे है। इसकी इंटरनल डिटेल्स हम आहिस्ता आहिस्ता जो है और ज़्यादा डिटेल में आपको थोड़ा बहुत बता देंगे। सो अभी का टेक अवे कि डिसीजन ट्री में आप सिर्फ हर नोड पे आकर डिसीजन करते हैं कि जो आप क्या आना, दैट्स इट फॉर नाउ। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट एल्गोरिदम हमारे पास जो है वो रैंडम फॉरेस्ट है। अच्छा, ट्री और फॉरेस्ट में कोई तल्लक होता है? एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो इसका मतलब है कि रैंडम फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, बहुत सारे डिसीजन ट्रीज होंगे। सो असेंशली रैंडम फॉरेस्ट जो है वो डिसीजन ट्री की एक फॉर्म है। डिसीजन ट्री एल्गोरिदम में सिर्फ एक डिसीजन ट्री होता था। ठीक है, आप कैरी ऑन करें, मैं ये कॉल ले लूँगा। ओके, सो रैंडम फॉरेस्ट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से चल रहा है कि आपके पास लेट्स से जो दरख्त है उसको अज्यूम कर लें कि आप एक जंगल में जा रहे हैं, और वो जो जितने दरख्त हैं वो उसको आप कंसिडर कर लें कि वो हर दरख्त आपका एक एक दोस्त है। अब आपके पास एक मसला है जो आपने उस पर सबसे एक एडवाइस लेनी है, एक राय लेनी है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपना जो अपनी जो प्रॉब्लम है वो हर फ्रेंड से हर ट्री को बता देते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है। और हर ट्री के अंदर से क्या होता है, जिस तरह हमने पहले डिसीजन ट्री में किया है कि वो एक डिसीजन ट्री आपको एक
आंसर देता है, एक प्रिडिक्शन देता है। इसी तरीके से वो जो एक दरख्त है, वो जो आपका एक दोस्त है, वो आपको अपनी एडवाइस देगा कि मैं तुम्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि ये कर लो। इसी तरीके से आपके जो बाकी दोस्त हैं या जंगल के अंदर बाकी दरख्त हैं, तमाम आपको एक एक एडवाइस देंगे। इसको मैं अगर इजी करूं तो वोटिंग है। बिल्कुल, पहले एक बंदा आपको बता रहा था ये करो, अब 10 लोग हैं, 10 में से 6 जो कहते हैं आपने वो कर लो। बिल्कुल, एज सिंपल एज दैट। बस वो लोग डिसीजन ट्री है। बिल्कुल, सो ये रैंडम फॉरेस्ट है विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिसीजन ट्री, और फिर हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग है। सो मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि ग्रेडियंट बूस्टिंग भी एक एक्सटेंशन है डिसीजन ट्रीज की। तो डिसीजन ट्रीज पे हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त इसको ज़्यादा तफसील से डिस्कस कर लेंगे। अभी का टेक अवे ये है कि डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग तीन एल्गोरिदम हैं, तीनों रिग्रेशन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, और अब हम और ये सारे हमें साइकिट लर्न में अवेलेबल हैं। तो जैसे हम वो फिट का फंक्शन कॉल करते थे ना ट्रेनिंग के लिए, इसी तरह हम इधर भी ये फंक्शन यूज़ कर लेंगे, साइकिट लर्न से फिट का फंक्शन कॉल करेंगे और हमारे मॉडल बन जाएंगे। तो हारिस, मेरा ख्याल है कि अब हम चलते हैं एक्शन की तरफ। बिल्कुल, इसमें बस मैं छोटी सी बात ऐड कर दूँ कि जो रैंडम फॉरेस्ट है ना, मतलब जिसने सर ने बताया कि वोटिंग हो रही है, ग्रेडियंट बूस्ट में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आप को जो मशवरा आता है ना, आप इस दफ़ा इसमें क्या करते हैं, अमल भी करके आते हैं और देखते हैं नुकसान हुआ है, ओहो, फिर दोबारा मशवरा लेते हैं, फिर नुकसान होता है, वो चीज़ अवॉइड करते हैं, फिर दोबारा मशवरा, ये ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है बस। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस आएगा। अब हम आगे कोलैब नोटबुक की तरफ मूव करें फिर सर। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल हम अब कोलैब ओके। अब हमारी जो लाइब्रेरीज है, मैंने एक सेल जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने वाला डाटा सेट हम लोड कर रहे हैं। ये पिछले स्टेप्स हैं, यहाँ से मैं क्विकली मूव करूँगा कि डाटा सेट की शेप है, उसका हेड प्रिंट करवा के चेक कर रहे हैं। ये सिर्फ जस्ट टू चेक कि हमारा डाटा सेट ठीक लोड हो रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। और हीट मैप पे मैंने आप लोगों को लास्ट भी दिखाया था, ये सिर्फ प्रॉब्लम को कनेक्ट करने के लिए कि हमारे पास डाटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है। और हमने इसमें से एड्रेस वाला कॉलम रिमूव किया था पर्पसली, कि हम उसको अभी एड्रेस नहीं करना चाह रहे थे प्रॉब्लम के अंदर। और अब हमारा जो डाटा सेट है, अब नीचे मूव करते हैं, यहाँ पर जो हम फीचर्स और टारगेट को सेपरेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, एक चीज़ आती है जो अभी आप लोगों के लिए छोड़ी गई थी। मैंने आपसे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप लोगों को ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि हमने किस चीज़ को, किस चीज़ की स्केलिंग करनी है, किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, किसको नहीं करना, किससे मुराद है मेरा फीचर्स और टारगेट वेरिएबल। तो ये चीज़ आप देख लें कि अमूमन टारगेट वेरिएबल और फीचर्स तमाम को स्केल किया जाता है, ठीक है, लेकिन आज मैं जानबूझकर सिर्फ फीचर्स को स्केल कर रहा हूँ, सिर्फ फीचर्स को स्केल कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि रिजल्ट थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन जो टारगेट वेरिएबल की स्केलिंग है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आप लोगों का टास्क होगा असाइनमेंट के अंदर। तो वो आप लोगों ने करनी है और फिर रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करने के, वो आप लोगों के रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं, उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। सो अब यहाँ पे मैं आपको हम जो फीचर्स हैं और टारगेट हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं। और हमारी ये देखें, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने सेल, इसके अंदर मैं हमने आपसे जिक्र किया था ना स्टैंडर्ड स्केलर का, स्टैंडर्ड स्केलर हम यूज़ कर रहे हैं और डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि इसमें जीरोज़ और वन की फॉर्म में। अब हमारा जो डाटा है तमाम जो हमारे पास ऊपर, अगर मैं आपको डाटा के अंदर वैल्यूज दिखाऊं तो ये हमारे पास वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं, ये सिंगल डेसिमल के साथ, मतलब एक वैल्यू आ रही है डेसिमल से पहले, यहाँ पे भी एक है, बट इस कॉलम के अंदर फिर हमारे पास वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं। तो इनकी डोमिनेंसी और एक दूसरे के ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और मॉडल की परफॉर्मेंस ख़राब होती है। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो डाटा है, अब आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो अब शिफ्ट हो गई हैं ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर कोई बड़ी वैल्यू आपको नज़र नहीं आएगी, पॉइंट के बाद जो डेसिमल के अंदर वैल्यूज़ हैं वो जो है आपके पास चीज़ें चल रही हैं। और इसके आगे देखें, जब आपने डाटा ट्रांसफॉर्म अपना कर लिया है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने सिंपल्स आपके जो स्टेप हैं वही रहेंगे। यहाँ पर देखें, जब हम डाटा स्प्लिट करते हैं तो डाटा स्प्लिटिंग के वक्त हम क्या दे रहे थे,
पहले नॉर्मल एक्स जो हमारी इनपुट थी, फीचर्स थे, वो पास कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो डाटा आया है हम उसको पास करेंगे। आप लोग जब करेंगे तो ये जो वाई है नॉर्मली, ये जो टारगेट वेरिएबल है, इसको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको भी यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये असाइनमेंट मैंने बता ही दी है, ओके। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है, हमारे पास, मैं बार बार ये इमेजेस इसमें मैं जान के रखता हूँ, इनको रिमूव नहीं करता कि बच्चे देखते रहें और उनकी जो कॉन्सेप्चुअली वो इस चीज़ को क्लियर करते जाएं। अब हम डाटा अपना उसको स्प्लिट कर चुके हैं, मॉडल को अब हमने पास करना है। अब हमने आपसे डिस्कस किया था कि आज हम डिफरेंट रिग्रेसर्स देख रहे हैं, तो क्विकली पहले हम लीनियर रिग्रेशन को देख लेंगे, जो लास्ट टाइम हमने देखा था उसका मैंने रिजल्ट ऐड किया हुआ, तो इम्प्रूवमेंट को चेक कर लेंगे और फिर आगे मूव करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए हमारे पास, मैंने लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है उसको लोड किया, फिट का फंक्शन यूज़ किया, उसके अंदर अपना ट्रेनिंग डाटा और जो टारगेट वेरिएबल है ट्रेनिंग के लिए वो पास कर दिया, एग्जीक्यूट किया, मॉडल ट्रेन हुआ, ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग के बाद आपके पास, आपने उसकी टेस्टिंग करनी थी। टेस्टिंग के वक्त आप जब प्रेडिक्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं और उसमें टेस्टिंग के वक्त का जो इनपुट डाटा है एक्स टेस्ट वो पास करते हैं। जब आप उसको पास करेंगे और वैल्यूज़ देंगे, आपके सामने ये प्रेडिक्शन आ गई, डिफरेंट वैल्यूज़ आपके सामने शो हो रही हैं प्रेडिक्शन हाउस प्राइसेस, ठीक है, हाउस प्राइसेस कॉलम की। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका जो प्लॉट है वो दोबारा आपको प्लॉट दिखा देते हैं कि प्लॉट के अंदर देखें स्टिल वही सिचुएशन है कि पॉइंट्स तो करीब करीब हैं, ठीक है। और अच्छा, इसको मैं और आगे एक और चीज़ मैं आपको बतानी थी, रिजल्ट्स आपके पास एक्चुअल वैल्यूज़ और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ आएंगी, वो प्रिंट करवा लेते हैं। और अब आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है और ये आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ है, थोड़ी सी वैल्यूज़ क्लोज आई हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उसको थोड़ा सा विजुलाइज करना, ज़रा देखना मुश्किल होगा। तो हमने इसके लिए आपको बताया था कि रेजिडुअल एनालिसिस होता है, क्या करते हैं एक्चुअल में से प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ को माइनस करते हैं, तो आपको उसका थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाता है। तो अब आप जब यहाँ पे रेजिडुअल एनालिसिस करते हैं तो आपके पास वैल्यूज़ जो है वो स्टिल, ये देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, बड़ी हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि फ़र्क आया है पिछले रिजल्ट से इसके अंदर के नहीं, ये हम जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्लॉट है, लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो ये प्लॉट हमारे पास 2.0 तक इसकी पीक वैल्यू जा रही थी, लेकिन अब ये 1.0 पर इसकी पीक वैल्यू हो गई है। तो वैल्यूज़ हमारी डाउन हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुई, क्यों, अभी मैंने फीचर्स को स्केल किया है, टारगेट वेरिएबल को मैंने स्केल नहीं किया। जब हम उसको भी स्केल कर देंगे तो वो पूरा डाटा एक जैसा हो जाएगा और वो जो एक जो अंडरस्टैंडिंग है मॉडल की वो और ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाएगी, ओके। अब लीनियर रिग्रेशन का जो हमने एरर था मीन स्क्वेयर एरर, ये आपके सामने मीन स्क्वेयर एरर लीनियर रिग्रेशन का आ रहा है। अब लास्ट टाइम हमारी जो वैल्यूज थी वो मैंने इधर प्रेडिक्ट, जो हमारे पास आंसर था वो बहुत बड़ा था, ठीक है, लेकिन वो इससे रिड्यूस होके अब हमारे पास ये वैल्यूज आ, ये वैल्यू आ रही, ठीक है। अब आप लोग जब करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहली नोटबुक है उसका रिजल्ट, ये सिर्फ फीचर्स के साथ, आप लोगों ने जो असाइनमेंट में हमें रिटर्न करना है सिर्फ फीचर स्केलिंग के साथ जो रिजल्ट है, और देन फिर आप फीचर और टारगेट की जब स्केलिंग करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट जो है वो आपका इम्प्रूव होगा, वो तीनों आप हमें शो करवाएंगे कि ये हमारे रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक इम्प्रूव हुए हैं। अब क्योंकि ये वैल्यू ज़रा बड़ी हैं तो इनको ज़रा अंडरस्टैंड करने में एकदम से ज़रा मसला होता है कि ये डिजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं बता दूं कि इसके अंदर जितने डिजिट थे, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 थे इसमें, और जो हमारा अब वाला है उसके अंदर हमारे पास 11 डिजिट्स हैं, तो अच्छी खासी वैल्यू ड्रॉप हुई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं डिसीजन ट्री के। डिसीजन ट्री के अंदर अब आपने करना क्या है, सिंपल आपने ये करना है, फ्रॉम sklearn.tree, क्योंकि ये ट्री है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर ये आपने लोड किया, यहाँ पे आपने फंक्शन उसका जो डिसीजन ट्री रिग्रेसर का था वो लोड किया, और फिट का फंक्शन यूज़ किया, सेम उस तरीके से आपने जिस तरह लीनियर रिग्रेशन के अंदर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर डाटा पास कर रहे थे मॉडल को, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन वही पास किया, उसी तरीके से प्रेडिक्शन करवाई, और मीन स्क्वेयर एरर आपने बिल्कुल उसी तरीके से निकलवाया। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा,
फ़र्क ये आएगा कि आपका वाई टेस्ट तो सब में सेम रहेगा, लेकिन ये जो आपकी प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्शन वेरिएबल आपका हमेशा आपने वो यूज़ करना है जिस क्लासीफायर को आप चला रहे हैं। अगर आप यहाँ भी हम डिसीजन ट्री में हैं, तो डिसीजन ट्री की जो प्रिडिक्शन आपके पास आ रही होगी वो आपने इसमें पास करनी। अब इसको ज़रा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास इसका भी एक बड़ा सा रिजल्ट आ गया। आगे चल के इन तमाम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि इस तरह से इनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। हम तमाम के जो रिजल्ट्स हैं, अब आपके पास रैंडम फॉरेस्ट आ गया है। रैंडम फॉरेस्ट के अंदर आपने क्या करना है, उसी तरीके से उसका फंक्शन लोड करना है, उसको इंपोर्ट करवाना है, उसका फंक्शन लोड करना है। फंक्शन लोड करने के बाद फिट का फंक्शन यूज़ होगा, सेम तरीके से डाटा जाएगा, उसी तरीके से प्रोडिक्शन होगी जिस तरीके से आप लोग पहले प्रोडिक्शन करते आ रहे हैं, और उस प्रोडिक्शन का आपने क्या करना है, उसके ऊपर मीन स्क्वेयर एरर कैलकुलेट करना। ओके, ये एग्जीक्यूट कर लिया हमने। ओहो थैंक यू, मैं एरर आ जाना था, मैं भूल गया था। ओके जी, ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया। उसके बाद अब हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग का जो एल्गोरिदम है वो आ गया। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन की रिप्लेसमेंट हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। इन शॉर्ट सिर्फ फंक्शन की रिप्लेसमेंट हो रही है कि जो अगर आपने जो एल्गोरिदम यूज़ करना है उसका फंक्शन रिप्लेस हो रहा है। ओके, मैं इस सेल को भी एग्जीक्यूट करता हूँ और हमारे पास इसका भी रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन में हो ये रहा है कि तमाम जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन तमाम रिजल्ट्स को हम बारी बारी देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा सबसे बुरा है। तो जो रिज़ल्ट हमारे पास ऊपर शो हुए थे, ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, जिसका सबसे कम एरर आएगा, उसको टॉप पे ले जाएगा, रैंकिंग कर देगा उनकी, सबसे अच्छा, फिर उससे बुरा, फिर उससे बुरा, फिर सबसे बुरा। तो हमारे पास जो रैंकिंग आ रही है उसमें मैंने मेंशन भी कर दिया कि लोअर वैल्यूज़ आर बेटर, कि जो कम से कम एरर होगा वो अच्छा होगा। तो हमारे पास इस केस में लीनियर रिग्रेशन अभी टॉप पे जा रही है, उसके बाद ग्रेडियंट बूस्टिंग आ रही है। ग्रेडियंट बूस्टिंग मैंने आपको बताया था ना कि एक एडवाइस आई, आपने अमल किया, गलती की, फिर दोबारा उस गलती को भी इम्प्रूव किया, लेकिन फिर एडवाइस ली, फिर गए, फिर काम किया, तो आइटरेटिवली बार बार सीख सीख के इम्प्लीमेंट करना। तो इस वजह से अब यूजली इसका रिजल्ट बेटर आता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है। क्यों? अल्ट्रेशन हो रही होती है बार बार चीज़ों की, तो ये स्लो प्रोसेस होता है। तो इसका यूज़ केस भी इसी तरीके से चलेगा कि जहाँ पे आपको टाइम का मसला ना हो कि मॉडल ट्रेन होने में अगर टाइम ले रहा है तो आपको ये इशू ना हो, तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज़ करते हैं और रिजल्ट्स भी आपको बेटर मिलते हैं। उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट मिल रहा है। क्यों? आप क्या कर रहे थे, सब लोगों के पास जा रहे थे, सबसे मशवरा ले रहे थे, और सबकी राय को, जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिल रहे थे, मेजॉरिटी ओपिनियन, उसको सेलेक्ट कर रहे थे। तो रैंडम फॉरेस्ट का रिजल्ट आपका डिसीजन ट्री से भी बेहतर है, और डिसीजन ट्री सबसे लास्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हमेशा ये सीक्वेंस रहेगा। आपका जो डेटा सेट है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से इनके रिजल्ट्स वेरी कर रहे थे। तो अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आपको कोई रिग्रेशन मॉडल बनाना हो, आपको वैल्यूज प्रेडिक्ट करवानी हो, तो आप क्या करते हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स को लेते हैं, अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म करके, सारे स्टेप्स परफॉर्म करके, उसके ऊपर उन तमाम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, और उनमें से देखते हैं कि कौन सा मॉडल मेरे पास अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसको यूज़ किया जाता है, उसके रिजल्ट्स को कोट किया जाता है। तो कभी भी एक मॉडल पर आप लोगों ने रिलाई नहीं करना, और एक मॉडल के अंदर भी आप लोगों ने जो स्टेप्स हैं सारे वो परफॉर्म करने हैं। तो ये तो हमारी तरफ से जो अभी टास्क था वो ये था। अब आप लोगों का जो टास्क मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस किया कि आप लोगों की असाइनमेंट आएगी, उसके अंदर आप लोगों ने जो स्केलिंग है वो पूरे डाटा सेट पे करनी है। पूरे डाटा सेट के ऊपर करने के बाद इसी तरीके से तमाम मॉडल्स को यूज़ करना है, और ये रिजल्ट्स जो आपकी नोटबुक के एंड के ऊपर पूरा एक सेल होना चाहिए जिसके अंदर ये सारे रिजल्ट्स आपका उनका कंपेरिजन आ रहा होगा। तो उम्मीद है कि ये कोई ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क अभी के लिए नहीं होगा, क्योंकि हम इसको पर्पसली और हमने अभी इसको आसान इसलिए भी रखा है कि हमने आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन ट्री पढ़ाने की कोशिश नहीं की, रैंडम फॉरेस्ट पढ़ाने की कोशिश नहीं की, और ग्रेडियंट बूस्टिंग पढ़ाने की कोशिश नहीं की।
तो इनफैक्ट इन टॉपिक्स को हम आगे भी टच करेंगे, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था कि ये सारे एल्गोरिदम रिग्रेशन में भी यूज़ होते हैं और क्लासिफिकेशन में भी यूज़ होते हैं। तो आगे जब हम क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, उसके बाद कोई और आगे मौका आएगा तो उसको फिर थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते रहेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे, डोंट वरी। अभी के लिए चूँकि आपके लिए ये नए नाम थे बिल्कुल तो इसलिए हमने एटलीस्ट आपको नाम भी बता दिए, और आपको अब ये भी पता है कि यार नहीं पता कैसे काम करता है, इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो साइकिट लर्न आपको सिखाने का मेन पर्पज़ ये था कि हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे प्रैक्टिशनर जो है वो बने, और वो तभी बनेंगे जब आपका कोड चलना शुरू हो जाएगा। जब वो कोड चलेगा और वो काम करेगा ना तो ऑटोमेटिकली आपके जेहन में आएगा यार ये वाला एल्गोरिदम अच्छा चल रहा है, दूसरा बुरा चल रहा है, मैं क्यों ना खुद स्टडी करके देखूँ कि ग्रेडियंट बूस्टिंग क्यों अच्छा चल रहा है और रैंडम फॉरेस्ट क्यों अच्छा नहीं चल रहा। तो फिर वो क्यूरियोसिटी जो है वो तब जेहन में आती है, तब आप उस पर अमल करते हैं जब कोई चीज़ चल रही हो। अगर हम स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी के अंदर डाल दें तो मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों को नींद आनी शुरू हो जाएगी। सो हमारी कोशिश है कि इस एक घंटे में एटलीस्ट आपको नींद ना आए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये भी चीज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, और एटलीस्ट ये जो एक प्रॉब्लम था ये बड़ा अच्छा मौका था कि आप रिडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी आपको आइडिया हो। और इनफैक्ट हारिस ने आपको असाइनमेंट भी एक दे दी है, तो वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगी। क्योंकि सर मेरा तो बिलीव ये है ना कि बच्चों का अगर हम सिर्फ वन साइडेड अगर पढ़ाते रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं जाएगा जितना हम उनको ज़रा इन्वॉल्व करेंगे, उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते जाएंगे टाइम के साथ साथ, ताकि वो भी चीज़ों को ना खुद इन्वॉल्व हो जाएँ और जो है ना तलाश शुरू कर दें। नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और इनफैक्ट इसी से ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की खास बात ये है कि ये हैंड्स ऑन है। आप किताबें पढ़ते रहेंगे तो नॉलेज आ जाएगा, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो वो भूल जाएगा। तो आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना बार बार, तो फिर आपको वो सारी थ्योरी ना आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। आपका माइंड जो है ना, जैसे इरफान कहते हैं अपने माइंड को ट्रेन करें, तो आपका माइंड इस तरह ट्रेन होगा कि वो ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स लाता जाएगा, आप उन्हें साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। सो दैट इज़ द स्किल सेट जो हमारा टारगेट है कि हम अपने यूथ को, अपने लोगों को, जिन लोगों तक हमारा ये लेक्चर पहुंच रहा है उन सबको इन्वॉल्व करें, और ये स्किल लेवल जो है ये उनके अंदर लेके आने की कोशिश।